एक बार में कानून क्यों नहीं अपना काम कर रही है, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे न्यायाधीश लोग? ब्रिज भूषण सिंह को यहीं से घसीटते हुए लाना चाहिए और अंदर डाल देना चाहिए। आम जनता को इम्प्रेस करने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है, बस ये देशद्रोही है, ये खंड खंड करके अखंड भारत की कल्पना करती है। जो भी तालिबान फरमान का मतलब हमारा एक मोटा मोटा है कि जब अपराधी हो वहीं पर काट दो उनको। जनता का पैसा होता है, जनता का सिलेंडर 1200 रुपए का होता है, लेकिन अपराधी पड़ते 5 स्टार सुविधाओं में। ये हालत कोर्ट की, कचहरी की और कानून के अपने। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाली, हमारे देश का नाम क्या है, भारत माता कहते हैं हम लोग। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश समाज की रक्षा करने के लिए होता है, भक्षक नहीं होता है। तुरंत उनको ब्रिजभूषण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और इनका FIR लॉन्च करके ब्रिजभूषण सिंह को यहीं से घसीटते हुए लाना चाहिए और अंदर डाल देना चाहिए। कमेटी तो बनाई गई थी और कमेटी में क्लीन चिट मिला। कमेटी किसकी थी, सत्ता किसकी है, BJP की है, तो लिहाजा तो उनके चलने नहीं दिया गया होगा ना, चलने नहीं दिया गया होगा, कोई ना कोई दबाव आ गया होगा। आंकड़ों की बात करते हैं तो कमेटियां, आंकड़े ये सब ऑन पेपर ही होती है। मुझे लगता है कोई दबाव आ गया होगा, उनकी चलने नहीं दी गई होगी। आम जनता को इम्प्रेस करने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है, बस। कमेटी गठन क्यों किया जाता है, टैक्स किसका जाता है, जनता का जाता है। कमेटी गठन क्यों नहीं बताती है, कानून का खौफ होना चाहिए भाई। सबसे पहले आपके माध्यम से इस देश को बताना चाहूँगी, आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हो, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये देश को विभाजित दे रही हैं। इनके चुनाव सिंबल बिक रहे हैं, चुनाव सिंबल ही लड़ते हैं, चुनाव सिंबल ही जीत जाते हैं। जो आप और हम काम करते हैं वो कोई नहीं लड़ता है। तो लिहाजा जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये देशद्रोही हैं, ये खंड खंड करके अखंड भारत की कल्पना करती हैं, आपको हमको बांटती हैं, मुद्दों को बांट देती हैं, बिखरा देती हैं। प्लीज़ आप लोग मुद्दों से मत भटकिए। ये हमारी भारत देश की बेटियां जो बैठी हुई हैं, जब फुटबॉल की प्लेयर्स जो ओलंपियाड के लिए, जो ओलंपिक खेल के अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, जब उनकी ये हालत है, तो देश की आम महिलाओं की क्या ये भक्षक दुर्दशा कर रहे होंगे, इसकी कल्पना से भी परे है ये बात। जब इन महिलाओं की ये हालत है, जिनको पूरा विदेश जानता है, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से इनका चेहरा है, जब इनके लिए इनको खौफ नहीं है अपने सांसदों को, सांसद कम अपराधियों को, तो आम महिलाओं की क्या, बच्चियों की क्या हालत होगी, ये आप लोग अपने मन से कल्पना करके देख लीजिए। महिलाएं सुरक्षित कभी नहीं हैं। और मैं आपके माध्यम से अपने CGI ऑनरेबल YK चंद्रचूड़ साहब से कहना चाहूँगी कि YK चंद्रचूड़ साहब, जब आप आए थे तो हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई थी, कोई ना कोई ऐसा इम्प्लीमेंट आप करेंगे ताकि जो अपराधी ये पल रहे हैं, ये पार्टियाँ अपराधियों को पोषित करती हैं, करप्शन को पोषित करती हैं, उन पर लगाम लगाइए, कोई भी बिल पास करवाइए। मुझे शायद इसके बारे में ज़्यादा पता ना हो, पर प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करवा के इनको तुरंत जेल में 3 महीने के अंदर इनकी सजा निर्धारित कर देनी चाहिए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की है, वैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? कम से कम ब्रिजभूषण के ऊपर अगर वैसी कार्रवाई हो जाए, फिर तो जनता फूल बरसाएगी। और मैं इस पर एक इत्तफाक भी, एक क्वेश्चन मार्क भी कर रही हूँ, अमित शाह जी आपसे पूछ रही हूँ, जब प्रियंका रेड्डी का सूट एट साइट किया था, हम ही ने आवाज़ सर्कुलेट करवाई थी पूरे इंडिया में, जब आवाज़ सर्कुलेट हो रही थी सूट एट साइट, उन पुलिस वालों ने सूट एट साइट कर दिया, जनता बहुत खुश हो गई थी। उन पुलिस वालों को आपने उम्र कैद के फांसी सजा सुनाई है, उनको बैंगलोर जेल में डाल दिया, उनको छोड़ दीजिए, वरना हम वहाँ भी पहुँचेंगे। कानूनी प्रक्रिया है, पहले सूट एट साइट, अच्छी बात है ना। हालांकि बलात्कारियों को सूट एट साइट नहीं होता, बलात्कारी के रूप में एक चेहरा आया था, सूट एट साइट हो गया था, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी बैंगलोर की जो थी, तो उनके पुलिस वालों जब भी सबने वाहवाही की, तो जब एक अच्छा काम कोई करता है तो उसको इनिशिएट करो ना। आपने फूल की वर्षा करवाई, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया, क्यों भाई जेल में डाल दिया? उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था कि गलती से ही सूसाइड साइट हुआ तो गलती से ही, लेकिन जनता की मांग पे हुआ। जनता से आप चुने जाते हो, आपके सारे फरमान लीगल होते हैं, और हमारी मांगें लीगल नहीं होती, लीगल हो जाती, क्यों भाई? लोकतंत्र है ना, राजतंत्र नहीं है। कोर्ट है, एडवोकेट है, वकील है, तो इनकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तो फिर तो डायरेक्ट अपराधी को पकड़ेंगे शूटिंग साइड। बिल्कुल, तालिबान फरमान होना चाहिए, अब बहुत थक गए हैं तालिबान में महिलाओं की। एक मिनट, तालिबान में महिलाओं की हालत देख रही हैं आप?
मैंने तालिबान फरमान की बात करी है, फरमान की तो बात मैं भी कर रहा हूँ ना। महिलाओं की हालत देख रही है तालिबान में किस तरीके की है, महिलाओं की हालत जो भी हो, तालिबान फरमान का मतलब हमारा एक मोटा मोटा है कि जब अपराधी हो वहीं पर काट दो उनको। मैम लोकतंत्र नहीं है ना, कोर्ट को बंद कर, संविधान है, कहाँ कोर्ट पर ताला लगा देना चाहिए। अब जिस तरह की लचर व्यवस्था है ना कानून की, संविधान को मानते हैं? संविधान को क्या हमारे देश नेता मानने देते हैं? संविधान कोर्ट में 40-45 साल तक अपराधी आराम से पलते हैं जेल में, 5-star सुविधाओं में। जनता का पैसा होता है, जनता का सिलेंडर 1200 रुपए का होता है, लेकिन अपराधी पलते हैं 5-star सुविधाओं में। ये हालत कोर्ट की, कचहरी की और कानून की। अपने गेहूं में गुल पिसता है, हम लोग भी तो पिसी रहे हैं। बेगुनाह क्यों चलेगा मारा जाए? गेहूं में गुने पिसता है कि अगर कानून का इतना भयानक खौफ हो कि कानून का मतलब अमराज, कोई भी अपराधी अपराध करते समय 100,000 बार रूह कांप जाए कि ये अपराध नहीं करना। अपराध कोई भी हो, जब तक अपराध पुलिस तंत्र के द्वारा, नेताओं के द्वारा पाला पोषा बड़ा नहीं किया जाता है, जब तक किसी की औकात नहीं है, आपसे आजादी छीन ले जाए, आपको घर से ही ना निकलने दिया जाए। क्यों, किस वजह से? अपराधियों को इतना खौफ कानून का होना चाहिए, आम जनता क्यों होना चाहिए? आम जनता तो ताली बजाएगी, कानून का खौफ अपराधियों को होना चाहिए। चाहे वो मर्डरर हो, चाहे वो किडनैपर हो, चाहे वो बलात्कारी हो, कोई भी अपराध जब पनपता है, जब कानून लचर होता है, कानून ढीला होता है, कानून को कौन इम्प्लीमेंट करता है? कानून है, कानून चलाने वाले कमजोर है। कानून चलाने वाले, देखिए विधायिका और न्यायपालिका को अलग कर दीजिए, तब तो कानून अपना काम ठीक से कर पाएगी। वरना नेताजी कहते हैं, वो जरा देख लीजिएगा, हमारे बच्चे की गाड़ी से मर्डर हो गया है। सरकार की कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? सही है, अति हमेशा बुरा होता है, तो अति बुरा हुआ तो उन्होंने अति किया, तो उन्होंने भी अति कर दिया, अति मत करो। और पहली बात मैं फिर कह रही हूँ, कानून का खौफ होना चाहिए, किसी नेता, किसी मंत्री, किसी व्यक्तिगत इंसान का खौफ नहीं होना चाहिए। तभी तो मैं कह रही हूँ आपके माध्यम से, YK चंद्रचूड़ साहब से कह रही हूँ कि कानून को ऐसा बिल पास करो within 3 months सजा निर्धारित हो, नहीं तो अपराधियों को आम जनता के बीच डाल दो, हम अपना न्याय खुद करेंगे। अगर आप न्यायपालिका ये कह दे कि भाई हाथ खड़े कर रहे हैं ये नेताओं से, हम बिके हुए हैं, हम कानून में न्याय नहीं दे सकते। अंकिता नेगी का क्या, उसकी बॉडी चीख चीख के नहीं कर रही थी कि बलात्कार हुआ, जलाया गया, और उसके बाद उनके बलात्कारियों को जो फांसी की सजा 2014 में दे दी गई थी, उनको छोड़ दिया गया 2022 में। मैंने रिव्यू पटिशन डाली, और रिव्यू पटिशन मेरी कहाँ है मुझे पता नहीं है। कानून अगर इम्प्लीमेंट करते ठीक से तो शर्म आनी चाहिए, हम उस देश में रह रहे हैं, उस लोकतंत्र की, ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की व्यवस्था है, हम वहाँ रह रहे हैं जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के समर्थक दल बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल की माला पहनाते हैं। इसे शर्म से, इससे ज़्यादा शर्म का विषय कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए कानून महिलाओं के हाथ में दे दो, जब महिलाओं के सिक्के से कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो कानून महिलाओं को पकड़ा दो। या एक महिला आगे आई है, 4 साल से कानून लड़ रही है, महिला हताश हो जाती है, भाई आप नौकरी करोगे आपका घर कौन चलाएगा, बच्चे कौन चलाएंगे? हर वक्त कोर्ट कचहरी, पुलिस कोर्ट कचहरी, पुलिस। अभी उसको न्याय मिल गया, 376 का मुकदमा हो गया, अब पुलिस ने एफआईआर लगा दिया है पूनम पांडे को शहनवाज हुसैन वाले में। अब शहनवाज हुसैन के जाओ प्रोटेस्ट फाइल करो, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करो। क्यों एक बार में कानून क्यों नहीं अपना काम कर रही है, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे न्यायाधीश लोग कि जब उसका 376 हुआ शहनवाज हुसैन आज वोट मांग रहा है, MLC है वो BJP से और बलात्कारी है, उसने पर नामांकन में लिखा है हाँ मैं 376 का आरोपी हूँ, मैं बलात्कारी हूँ, लेकिन मुझे जिताओ। पार्टी को क्या चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। ये क्यों हुए, क्यों नहीं, तुरंत न्यायाधीश को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और आम जनता को भी जिस भी माध्यम से लाइव कर सकती है, फेसबुक लाइव कर सकती है, ट्वीट कर सकती है, कि सरकार के खिलाफ में अब इस तानाशाही के खिलाफ में अब आम जनता को सड़क पे आ जाना चाहिए, वरना भारत हमारा खत्म हो जाएगा। भारत की आत्मा को ये नेता अपने जूतों के तले रख रहे हैं। आम जनता में भ्रम फैलता है कि पता नहीं पोषित हैं या बिक गए हैं या इनकी आवाज़ खरीदी जा चुकी है, पता नहीं। हम आम लोग हैं, हमारी आत्मा तुरंत जागी, हम तुरंत आए ना यहाँ पे, तो आत्मा तुरंत क्यों नहीं जागी? फिर तो कुर्सी प्यारी थी सतपाल मलिक साहब को, अब आत्मा उनकी जाग गई है, तो इस पर भी मेरा प्रश्न है, या तब आत्मा मर गई थी, या आत्मा कैसे जाग गई अब? लेकिन वो तो पुलवामा हमले के बाद ही उन्होंने मोदी जी को नैतिक इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? बोला था, आपका मन जगा था,
उस कुर्सी को क्यों छूट चपके रहे, क्यों खामोश करा दिया गया? हेलो, मुझे खामोश करा दे, मैं ब्रिभुजन शरण सिंह के लोकसभा की वहाँ की हूँ, उन्हीं के 20 किलोमीटर मेरे गाँव में, मुझे खामोश कर सकते हैं वो? मैं कह रही हूँ वो अपराधी नहीं, बलात्कारी नहीं, जाने कितनी बच्चियों का बलात्कार उसने किया होगा, यौन शोषण किया होगा, अगर ये सर्वे कराया जाए गोंडा में कैसरगंज क्षेत्र में।